तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रैगन गेमिंग। तो गाइस पता है मैं बहुत लेट हूँ, मतलब 8 दिन बाद 10 दिन बाद वो वीडियो आ रही है, बट अब थोड़ा ऐसे ही होगा। क्वालिटी थोड़ा बेटर करने का कोशिश करूँगा मैं अपनी वीडियोस का, मतलब थोड़ा ज़्यादा इसमें एडिटिंग लगा मेरे को यूजुअल से। एंड मैंने स्किन का क्योर ढूंढ लिया है, एंड मतलब थोड़े इसी वीडियो के ड्यूरिंग मेरा स्किन चेंज हो जाने वाला है, क्योंकि रिकॉर्डिंग का डेट सा लगता है। एंड मेरे को दूसरा स्किन मिल गया था, तब तक तो मैंने वो लगा लिया, मेरे को इससे बेटर लगा, वो ड्रैगन गेमिंग टाइप्स भी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग का पहला एम होने वाला है कि हम लोग 2 विलेजर्स ढूंढ के लाए, और ये मैंने काटा था, फिर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, पता नहीं। आज का हम लोग का एम है बेसिकली, हम लोग 2 विलेजर्स ढूंढ के लाने हैं। हम लोग को मतलब विलेज ढूंढना है बेसिकली एक, एंड उसके बाद उनको यहाँ तक लेकर आना है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, आप लोगों को तो पता ही है। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग में आप कौन होते हैं, वही होते हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया। एंड अभी मैं थोड़ा सा वुड्स बना लूँ, काम आएगा। एंड बोट से थोड़ा इजी होगा, नहीं तो वो जॉब ब्लॉक वाला ट्रिक करूँगा, बट एक बार पीछे तरफ आ गया ना, उसके बाद तो सबसे ईजी रहेगा मेरे लिए। अगर मैं क्या नाम है जॉब वो रेलवे वाला काम कर लूँ, रेलवे से कर लूँगा। उसके लिए मेरे को आयरन भी माइनिंग करना है, जितना थोड़ा आयरन मिलेगा वो विलेज के पास ही माइन कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास में कोई अच्छा केव नहीं है। मेरे को केव मतलब ढूंढना पड़ेगा एक, क्योंकि वो मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ उसके बीच में कहीं केव मिल गया, या एक काम करेंगे ना, वहाँ पर विलेज में चलेंगे, वहाँ पर आसपास कोई मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो पहले माइनिंग कराएंगे। एंड उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, वो क्या नाम है विलेजर्स को ले आएंगे। एंड थोड़ा सा लूट वूट भी लेना है, तो अभी तो हम लोग विलेज की ओर बढ़ेंगे। बट एक सेकंड में एक काम याद आ गया, मैं करके मतलब थोड़ा सा करके आता हूँ। एंड ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में बनाया था, एंड मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया, मेरे को मेरा जो मतलब काम था वो हो गया, फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी विलेज ढूंढने में कितना टाइम लगेगा मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। एंड मैं सोच रहा हूँ कि 2 विलेज को लाने से तो हो जाएगा, बट उनको ब्रीड कराना होगा, तो उसके लिए मेरे को एक बेटर वीट फार्म चाहिए, इससे होगा नहीं। तो अगले वीडियो में हम लोग बेटर वीट फार्म बनाने वाले हैं, तो इसी बात पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। और थोड़े से टूल्स के लिए मैं थोड़े से स्टोन काट लेता हूँ, टूल्स की मदद हो जाएगी थोड़ा। ये रहा ऊपर बहुत सारा स्टोन पड़ा है, उसको काट लूँगा। एंड हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि मेरे को थोड़ा बड़ा वाला फार्म बनाना है, तो अगले वीडियो में वही करेंगे। बट आज की वीडियो में भी थोड़ा टाइम लग गया, बट अगली वीडियो में भी आप लोग समझ लो कुछ ऐसे ही 6-7-8 दिन ऐसे ही आएगी, क्योंकि मैं अब क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ना कि क्वांटिटी पे। एंड आप लोग का काम है मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, और वो आप लोग दबा के करोगे, मेरे को अच्छे से आप लोग के ऊपर भरोसा है। एंड मैं अभी तक बहुत देर से मतलब 15-20 मिनट हो गए अभी तक ढूंढने जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर तो नहीं आया हूँ। हाँ, हूँगा कुछ 1000 ब्लॉक दूर, 900 ब्लॉक दूर हूँगा, बट मैं फाइनली मेरे को यहाँ पर विलेज मिल गया। एंड मैं सारे हेबल्स हैं सब कुछ इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर बहुत हेबल्स हैं, बहुत सारे हेबल्स से अपना कुछ समय तक के लिए काम बन जाएगा। एंड इसको हम लोग वीट बना के बहुत सारा ब्रेड बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा बात है। एंड ये अपने गोलम चाचा आ गए हैं इनको थोड़ा एक्सक्यूज मी, गला थोड़ा आज मेरा बैठा हुआ है, इसलिए आपको आवाज़ अच्छा नहीं लगेगा। आज गोलम चाचा को थोड़ा सा मारा पीट किया जाए। पहले अपने लिए एग्स बना लेता हूँ, एग्स बनाना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एग्स टूट गया फिर और प्रॉब्लम होगा, तो एग्स बना लेता हूँ, वो बेटर ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से मेरे लिए। एंड एक तो ये इतना ये टूटा फूटा विलेज है ना, कहीं से भी बीच में गैप है, एंड बहुत फालतू विलेज है, ये बढ़िया वाली नहीं है। एंड यहाँ पर गोलम चाचा है, इनको थोड़ा सा टपली मार के आते हैं, ब्लॉक साथ में। और यहाँ पर भागो, अरे अरे कंट्रोलर जाम हो गया, शिट लैग कर रहा है गेम क्यों। अरे यार थोड़ा आगे आ जाता हूँ अभी, ताकि थोड़ा सा टाइम मिले। मेरा एकदम से लैग करने लगा गेम, आप लोग ने देखा कि जबकि स्टार्ट किया मेरे को इतना टाइम हो गया, फिर भी लैग करने लगा गेम। बट चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास जेन्युइन सामान है, चलो ठीक है, इतना तो कोई बात नहीं। अभी अपने थोड़ा घूम के वापस से चलते गोलम चाचा के पास, यहीं से चढ़ लेंगे क्योंकि वहाँ से चढ़ने में बहुत मौत आएगा। एंड सामने से गोलम चाचा आ गए ना, धप्पा दे देंगे, मार डालेंगे। एंड यहाँ पर मैं वहीं पर जहाँ पर स्टोन काटा था मैं अपना क्या नाम है बेड वहीं पर भूल गया क्योंकि रात हो गया तो वहाँ पर एक बार सोया था एंड बेड वहीं भूल गया। तो अभी मेरे पास कोई बेड नहीं है, मेरे को थोड़े से काट के बेड भी बनाने पड़ेंगे, क्या नाम है शीप्स को काट के थोड़ा बेड भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बेड्स ख़त्म हो गए हैं। तो मेरे को अगर रात हो गया तो विलेजर मर भी सकता है, तो एक जो और बेड बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके यहाँ पर एक कार्टोग्राफर टेबल है, कोई बात नहीं। पूरे घर गोलम चाचा के पास अब चलते हैं, थोड़ा दूर से थोड़ा जोर से थोड़ा सिक्योरिटी मेजर्स रख के। यहाँ पर अब गोलम चाचा को धक्का करेंगे। पहले नीचे चलता हूँ, एक काम करता हूँ। ये बाबा MLG मिस कर दिया, इतने इजी। एक मेरे को एक बेड मिल जाए, बेड नहीं मिलेगा तो फिर रीसेट पॉइंट्स में सेट नहीं होगा। विलेज में मैंने जितना इसके पहले भी देखा था एक भी वहाँ पर बेड नहीं था, एंड अभी भी जितना देख रहा हूँ एक भी बेड नहीं है। तो बिना बेड के मारना थोड़ा रिस्क हो जाता है, बट और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आयरन लेकर आ जाता हूँ, बाद में गोलम चाचा को मारूंगा। बट रात हो गया इसलिए मैं रूम में आ गया हूँ, और मैंने बहुत सारे तीन बकरी मिल गए थे, उनको साफ़ कर दिया। और दो बकरी मिले, एक मेरे पास पहले से था। एंड वूल मिल गया मेरे को। एंड यहाँ पर मेरा वाइट बेड बन गया है, इस पर मैं सो जाऊँगा। एंड इसके बाद गोलम चाचा को मार के ही हम लोग फिर एक काम करेंगे, वहाँ जाएंगे माइनिंग पे, बेटर होगा। एंड ये स्किन आपको कैसी लगी बता देना, और इसके बाद वाली जो स्किन पहनूंगा वो भी देख के बता देना कौन सी अच्छी लगी, वही फिर मैं अगली वीडियो में पहनूंगा क्योंकि मेरे को तो दोनों ही स्किन अच्छी लग रही है। मतलब ये भी अच्छी है, ये थोड़ी मतलब ये थोड़ा नॉर्मल इंसान टाइप का है, गेमर टाइप का है, बट वो थोड़ा ड्रैगनिश फील देता है। एंड मैंने रीसेट पॉइंट अभी यहाँ पर सेट कर दिया, तो अब गोलम चाचा के पास मार रहे उनको चल सकते हैं। नहीं तो पहले एक काम करता हूँ, अगर मेरे को गोलम रास्ते में दिख गया माइन के तो मैं पहले गोलम को मार दूंगा, नहीं तो मैं माइनिंग करने चला जाऊँगा। और माइनिंग के लिए भी एक माइन ढूंढनी पड़ेगी, तो दोनों में से जो पहले मिल जाए वही कर लेंगे। एंड वहाँ पर कुछ है क्या? नहीं, वहाँ पर भी कुछ नहीं है। हाँ, कहाँ पर होगा कोई माइन? ये माइन ढूंढना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब 1.18 में तो बहुत सारे मिलते हैं यूजुअली, बट अब थोड़ा माइंस मिलना कम हो गए, वरना उधर तो हर जगह मिलते थे। और मेरे को शायद ये नीचे माइंस ही है, क्या है, चेकआउट करके आना पड़ेगा। बट मेरे को मिल चुका है गोलम चाचा। अब ये गोलम चाचा के ऊपर हाथ साफ किया जाए। क्या हुआ गोलम चाचा, भूल गए क्या? अरे शिट, अरे ओ शिट, मेरा स्प्रिंट क्यों ऑफ हो गया? शिट स्प्रिंट, हाँ हो गया। पता है गोलम के आते ही पता नहीं मेरा कंट्रोल्स काम क्यों नहीं करता। दब, हाँ 1 2 3 ब्लॉक ऊपर आ गया। अब मैं ऊपर आया हूँ तो गोलम ऊपर नहीं आया, मतलब ये हद हालत है। मतलब गोलम आ जाए और अब वापस काट के उसके पास वापस रिस्क हो जाएगा। बट चलो एटलीस्ट बेड लगा हुआ है तो डर नहीं लग रहा, एक्सक्यूज़ मी, वरना बहुत डर लगता बेड नहीं होता तो, क्योंकि वापस पूरा चेंज करके आना होता है। एंड गोलम को मैंने वापस अपने पीछे भगा लिया है। एंड थोड़ा घूम के अब थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं। इस एरिया में तो चढ़ना मतलब एकदम ही वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लॉक दो ब्लॉक के कारण बहुत ऊट-पटांग हो जाएगा। यहाँ पर चढ़ता हूँ। अबे यार फिर गोलम नहीं आया, ये क्या है यार? ये गोलम बक पका रहा है मेरे को, बट ठीक है, अब ज़रूरत है आयरन की। अभी आयरन नहीं है तो मदद तो लेनी पड़ेगी गोलम चाचा की। हम लोग को इतने फ्री में आयरन देते हैं, हम लोग थोड़ा ना उनको मारते हैं, पीछे से टपली हम लोग थोड़ा ना देते हैं यार, इतना गलत बात। मजाक करो। अरे नहीं मम्मा, भागो, अरे भाग ना, स्प्रिंट हो ना। 3 1 2 बस। ओह, आप कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा पहले हील कर लूँ। एंड अब चलते इसको धोने। बहुत मारा ना मेरे को, मारा कैसे तूने? तेरी तो रुक, तेरे से पाँच आयरन नहीं दिया ना तब तो पीट डालूंगा, समझा। हाईएस्ट 5 ही होता है ना, हाँ 3 to 5 का वो होता है। 5 आयरन मांगता है अपने को, पता नहीं कितने दिया। ठीक है उतर के देखते हैं। ओके 3 ही दिया, चलो बट ठीक है। हम लोग का फर्स्ट आयरन इस बार नहीं, मेरे को आयरन एक और बार पहले भी तो लिया था हैं। आयरन पिकअक्स तो है मेरे पास, पता नहीं कोई ग्लिच हो गया होगा। ऐसे भी अभी मेरा 2 बार माइनक्राफ्ट डिलीट होके इंस्टॉल हुआ है, तो हो सकता है मेरे अचीवमेंट्स रीसेट हो गए हो। एंड यहाँ पर मैंने सही जगह एमएलजी कर दी, वरना गड़बड़ हो जाता। यहाँ बीच इतना छोटा बीच में कैसे निकलूँगा, ये स्लैब और वो है। मैं भी नेक्स्ट लेवल आदमी हूँ, यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड ये रहा मेरा बेड, इसको तोड़ देता हूँ। एंड अब हम लोग चलते हैं नीचे सीधा माइनिंग करने। भाई एमएलजी फेल कर दिया मैंने। ओके ये अच्छा माइन है, ये अच्छा माइन है। मेरे को लगा कि नॉर्मल सा माइन होगा छोटा सा, बट ये थोड़ा नीचे तक जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक तो मेरे को डर लग रहा है, मेरे पास कोई अभी वो नहीं है अच्छा, कुछ आर्मर वार्मर कुछ नहीं है। नीचे मॉब्स होंगे, टॉर्चेस तो है, लेफ्ट हैंड में रख लेता हूँ। ओ भाई बहुत है, बहुत सारे हैं। सामने आयरन दिख रहा है मेरे को, और कोल भी है नीचे वहीं पर। यहाँ पर क्रीपर भी है। थोड़ा पीछे से टपली मार सकूँ तो नीचे चला जाए, रिस्क लेना ही होगा। क्या मैं रिस्क लूँ? इन 3, इन 2, इन 1 फट गया मेरा। मैं नहीं कर रहा भाई, करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्टली ब्रेच करके चला जाता हूँ ना, इनसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट ब्रेच करके चला जाता हूँ, नहीं तो ये इस क्रीपर को पड़ देता हूँ, वरना नीचे से एक्सप्लोड कर दिया मैं मर जाऊँगा, फिर पता नहीं बहुत प्रॉब्लम होगा। क्या करूँ? हाँ यही करना पड़ेगा। लेट्स गो लेट्स गो। तीनों मॉब मर गए। अब मैं यहाँ से बिल्ड करके जा सकता हूँ। सामने मेरे को आयरन कोल सब मिल रहा है, और नीचे तक जाके हम लोग थोड़ा लेकर आएंगे आयरन वायरन। और वहाँ पर रेसबेरीज भी है, बट उससे क्या ही मतलब है अपने को। अपने को तो बस कोल और आयरन मांगता है। एंड मैं डायरेक्टली माइन करके मिलूँगा आई गेस। माइनिंग मैं दिखाऊँगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, और बड़ी वीडियो करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। एंड अगर मैं आप लोग को विलेजर ट्रांसपोर्ट करके नहीं भी दिखाऊंगा, तो आप लोग फिर बोलोगे कि विलेजर ट्रांसफ़र किया नहीं, हम लोग को नाटक में दिखा रहा है। इसलिए मैंने पूरा स्किप कर दिया। मेरे को 33 आयरन मिल गया, एंड 11 मेरे पास वो हो गया कोल। मेरा थोड़ा पिकैक्स विकैक्स का हेल्थ भी ख़राब हो गया है। एंड मेरे पास अभी भी मेरा ये पड़ा है बेड। तो अब एक आखिरी काम, अब विलेजर्स को लेकर चलना है। पहला विलेजर को लेकर चलना है। बोट पे बैठ जा प्लीज़, बैठ जा। गुड बॉय टॉमी, टॉमी शू आ जा। टॉमी अबे शू क्यों बोल रहा हूँ, बैठ जाना प्लीज़ भाई, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ब्रो, प्लीज़ बैठ जा, बैठ जा, बैठ बैठ ना यार। ये विलेजर्स को चिल्लाने से नहीं होगा, धक्का देना होगा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अब मैं इसको लेकर चलता हूँ। मेरे को कोऑर्डिनेट्स देखना होगा मेरे घर का, मेरे को पता है 930 करके है, 930 एंड 2300 वैसा ही है कोऑर्डिनेट्स ऐसा कुछ। तो धीरे धीरे करके इसको लेकर जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होने वाला है ये वाला थोड़ा सफ़र, ये सफ़र मेरा थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अब मैं जो भी करूँ, बट यहाँ पर थोड़ा मैं वापस आ चुका हूँ, मतलब पता ही नहीं कहीं गया था, बट कुछ बोलने के लिए नहीं था, इसलिए इसी बात पे हंस दो। हाँ 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 पाद मार दो। हाँ 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 पता है कमेंट्री अच्छी नहीं है, बट वीडियो का स्टाइल थोड़ा बेटर लगा हो, और आप लोग को मेरे को खेलते हुए देखने में मज़ा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड चेक करते हैं स्लैब से ऊपर चढ़ सकता है क्या बोट, क्योंकि मेरे को श्योर नहीं है। यहाँ पर स्लैब लगाते हैं, नहीं बोट नहीं चढ़ सकता। एक काम करूँगा, यहाँ वहाँ पर बाजू में ही पानी है, पानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि लैंड से चलने में तो मेरे को, अगर मैं करने गया तो मेरे को सालों लग जाएंगे। तब तक यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को जगह खोदना होगा। मेरे पास शवल है तभी मैं हाथ से खोद रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल आदमी हूँ मैं। मैंने बाद में रियलाइज़ किया जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं। लो मैंने कर लिया शवल में। मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, इसलिए मैंने उसी वक्त फ्यूचर देख लिया था कि मैं ऐसा बोलने वाला हूँ, इसलिए पहले ही मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मैंने ये क्या किया, उसको और दूर भेज दिया। हट, पहले उसको लाके पास में लाना होगा। एंड धीरे धीरे करके लेकर जाना होगा, या तो फिर मेरे को एक ये वाला ब्लॉक और तोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये एक ब्लॉक और टूट जाएगा तो हो जाएगा। होगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा। एक ब्लॉक तोड़ना होगा, ये तोड़ देता हूँ, हो जाएगा। हाँ चलो, नहीं आगे भी तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारा तोड़ तोड़ के जाएंगे। बट विलेजेस को एक बार वहाँ पर ले आया तो वहाँ पर ब्रीडिंग करा लूँगा, एंड ब्रीडिंग कराने के बाद आयरन फार्म हो जाता है। बहुत सारा फार्म में गन पाउडर फार्म में तो नहीं चाहिए होता है, बट आयरन फार्म एंड ऑल में सब चीज़ में वो चाहिए होता है, वो बोल रहा हूँ, विलेजेस चाहिए होते हैं। एंड विलेजेस ट्रेडिंग हॉल भी बनाना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं यार। मेंडिंग वेंडिंग बहुत ज़रूरी ब्रुक्स होता है। प्रोटेक्शन 4 ऐसे आसानी से मिलता नहीं है, बट दोनों ही चीज़ में आसानी से नहीं मिलता, इंचार्टमेंट टेबल से भी। बट विलेजेस में मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है अच्छा वो निकालना, और मेंडिंग तो सिर्फ विलेजेस से ही मिलता है। एंड डायरेक्ट इंचार्टेड आर्मर्स भी ला सकता हूँ, तो इसके लिए मेरे को शुगर केन का भी फार्म बनाना होगा। इसलिए मैं, आप लोग देखे होंगे जब मैं स्टार्टिंग में टाइम लैप्स किया था जाने वक्त, मैंने बहुत सारे शुगर केन काटे थे। उतना मेरे ख्याल से एक राउंड के लिए काफ़ी होगा, वो एक बार लगा लूँगा मैं। वो ऑटोमेटिक फार्म नहीं बनाऊँगा अभी, वो ऑब्जर्वर्स एंड ऑल के साथ, वो मैं बाद में बनाऊँगा। बट जब मेरे पास क्या नाम है, वो प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारा आयरन होगा, अच्छा खासा आर्मर होगा ना, तब मैं थोड़ा माइनिंग पे जाने के लिए कॉन्फिडेंट रहूँगा। एंड अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसमें से 33 आयरन में से कितना आयरन मेरे को लग जाने वाला है रेल के बनाने के लिए कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ये मोस्ट प्रोबेबली पीछे से गया था ना, तो मैं पीछे से आऊँगा। वहाँ पर एटलीस्ट 50-60 ब्लॉक तो होगा ही, तो 50-60 ब्लॉक एक एक करके भी जाऊँगा तो भी एटलीस्ट मेरे को दो स्टैक नहीं, एक स्टैक तो बनाना ही होगा अलग अलग का ही। ये रहा, यहीं पर तो होगा, ये तो उतना दूर नहीं है रास्ता यार, ये तो इजी है रास्ता। ये रास्ता बहुत बेटर है, जहाँ से हम इस पिछली बार गया था उससे ये रास्ता बहुत बेटर है। एंड ओके, यहाँ पर अभी पहुँच के मैं साइड कर लूँगा, एंड इसके बाद मेरे को जाकर थोड़ा स्मेल्ट वेल्ट करके लेकर आना होगा वापस। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसको उसी से ट्रांसफ़र करना होगा। एंड अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मैंने एक हमेशा की तरह इस बार भी बेवकूफ़ी कर दी है। मैंने बेवकूफ़ी ये की कि मेरा बहुत दो क्लिप शायद मेरा वो हो गया, करप्ट हो गया वीडियो का। उसमें से एक ये पार्ट था जब मैं उसको यहाँ से लेकर, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, अंडरग्राउंड बेसमेंट में डालता हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा था उसका क्या नाम है, रेलवे सिस्टम का, बहुत सारा रेलवे बनाने भी वाला हूँ, वेस्ट करने वाला हूँ अपना आयरन। अब देख के लग रहा है मैंने बहुत बड़ा गलती किया, बट व्हाटएवर, मैं आयरन वेस्ट मतलब रेलवेज बना के थोड़ा लेके जाने का भी ट्राई करूँगा स्मेल्ट वेल्ट करने के बाद। बट एंड में कैसे जाएगा, एंड में मैं बताता हूँ। एंड में मैंने अपना कंपोस्टर लाया, जॉब ब्लॉक, एंड जॉब ब्लॉक करके लेकर आया, और थोड़ा इस एरिया में मतलब गेट के सामने आके वो एक्चुअली घर में घुस गया था। फिर गेट को बंद किया मैंने, और गेट के चारों ओर मैंने कॉबल स्टोन लगाए। फिर मैंने गेट को खोला एंड एक पाथवे बनाया, एंड फिर नीचे तक थोड़ा सा डिग डाउन किया, एंड थोड़ा सा वो बनाया क्या नाम है, गोला क्या बोल रहा हूँ। एंड वो बेड में भूल गया था वहीं पर, तो मैंने इसको डाई कर दिया। हाँ मतलब एक थोड़ा सा रूम बनाऊंगा, एंड फिर उसको पानी के हेल्प से नीचे शिफ्ट कर दूंगा। तो मेरा ये थोड़ा सा एक गलती था, मैं दिखाना के लिए आप लोग का थोड़ा करप्ट हो गया था। तब तक ये सब पार्ट तो मेरा आया है, बट वो वाला पार्ट मेरा थोड़ा करप्ट हो गया। उसको अंदर लाते वक्त वो बहुत बड़ा फुटेज था, ऐसे भी मैं वो पूरा फुटेज अगर होता तो भी नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसको यहाँ वहाँ से यहाँ लाने में मेरे को 20 मिनट लग गए थे। एंड मेरे को गोल्डन रेडस्टोन चाहिए होगा, मेरे हिसाब से पावर ड्रिल्स के लिए चाहिए होता है। सर्च करता हूँ पावर ड्रिल्स, रील्स करके तो नहीं आ रहा यार, अरे रील्स। बट मेरे को जितना पता है रेडस्टोन तो टॉर्चेस भी बनाने पड़ते हैं पावर ड्रिल्स के लिए, एक्टिवेटर रील्स के लिए। पता नहीं, ढूंढूंगा अभी मैं। बट अभी के लिए तो थोड़ा समय आयरन स्मेल्ट हो रहा है, तब तक हम लोग एक काम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं अभी जितना हुआ है तब तक उतना बना के उसको लेने जा सकते हैं। यही एक काम कर सकते हैं। रेल्स तो दिख नहीं रहा, एंड वो वाला पार्ट मैंने जैसे आपको बोला वो सब हट गया, एंड वो पूरा पार्ट करप्ट हो गया। मैं आने वहाँ से यहाँ पर भी आया था, वो वाला पार्ट भी पूरा करप्ट हो गया। एंड मैंने एक डेजर्ट टेम्पल भी लूटा था, वहाँ पर एक बार मरा भी था, फिर वापस गया था, वो सारा पार्ट क्रॉप हो गया। मेरे पास एक्चुअली मेरे को मतलब 2-3 एमरल्ड भी मिले थे, वो एमरल्ड में एक्चुअली शिट मैंने विलेजर को मार लिया। पीछे से ऐसे ही स्केलेटन मार रहा है, ऊपर से विलेजर्स को मार दिया। यहाँ पर मैं डेजर्ट टेम्पल भी गया था, डेजर्ट टेम्पल में मैं मर गया, इसलिए मेरे को थोड़ा वहाँ पर एमरल्ड्स मिला था। थोड़ा तो अभी भी है बट वहाँ पर बहुत सारा एमरल्ड्स मिला था। एंड वो टूट मतलब क्रीपर ब्लास्ट हो गया होगा या कुछ हो गया, डिस्पन हो गया होगा। वो मेरा एक्चुअली अलग अलग इन्वेंट्री स्लॉट में पड़ा था, इसलिए वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया और टूट गया। एंड ये मेरा नया स्किन, आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं नया स्किन बनाऊंगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इसको मैं लेकर चला जाऊंगा, इसका कोई अब टेंशन नहीं है। यहाँ से वहाँ लेकर जाने में अब कोई बड़ा बात नहीं, मेरे को समझ में आ गया अब क्या करना है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मतलब बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अभी थोड़ा टाइम है, अभी मैं जाऊंगा ये बंद करूंगा, अभी आ नहीं रहा। पहले मेरे को सो के आना होगा वरना स्केलेटन्स या फिर ज़ॉम्बी से ये मर ना जाए, इसलिए मैं पहले जाके सो के आता हूँ एंड फिर इसको अंदर ले जाऊंगा। एक विलेजर ऑलरेडी अंदर है, दूसरा विलेजर ले जाऊंगा। आप लोग को मेरी नेक्स्ट वीडियो में मेरा वो देखने मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वीट का फार्म बेटर करके ब्रीड भी कराएंगे ताकि हम बाद में बाकी फार्म्स बना सकें। टिल देन बाय बाय, पीस आउट।